और उसके नाखून भाई साहब कम से कम नहीं तो 3 या 4 इंच के आसपास के उसके नाखून होते हैं। मतलब यदि हमारे इधर कई मतलब गुलदार ने जो है कुत्तों को तो शाबी कर दिया। जो भालू होता है वो तो मर्द लोगों को तो मार देता है, मगर औरतों को जनानी जो होती उनको नहीं मारता, उनको अपने सागवान सागवान के पेड़ है। भाई दुनिया भर का होता है, यही तो आता है और कहाँ रहेगा, घरों में थोड़ी रहेगा भाग। जंगल में पकड़ता है, खा भी जाता है, कई बकरियां मार दी तो आपको मिला। ये सेना पानी नदी है, सेना पानी आगे है कुमिया नदी, इधर से सीधे उससे आगे घंटाताल नदी। अच्छा, अरे फंस गई। तो हर साल एक मारता है वो। अच्छा, हाथी जो है हर साल एक मारता है। दोस्तों अभी मैं हूँ यहाँ उत्तराखंड के जंगलों में, तो हम बैठे हैं वन विभाग के कर्मचारी के साथ जो कि यहाँ पे रक्षा करते हैं, इनकी बाड़ बंदी कोई हटाए नहीं, पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं। तो पानी लेके सुबह से शाम बैठे रहते हैं, रात में तो नहीं बैठते हैं, रात में दूसरे को शिफ्ट लगती है। और ये है नदी का क्षेत्र, आप देख सकते हो ये पूरा, और उन्होंने मचान सी बना रखी छोटी सी बाड़ बंदी करके, और इसमें पेड़ पौधे लगा रखे हैं। तो अभी बहुत देर तक वार्तालाप हुई और जान रहे थे बाघ के बारे में, पहले देखा होगा आपने, अभी तेंदुए के बारे में पूछ रहे थे। तो तेंदुआ कुत्तों को उठा के ले जाता है? हाँ, कुत्तों को उठा के ले जाएगा। तो क्या करता, खा जाता है उसको? तो हाँ खा जाएगा उसको, मार के। अच्छा, तो आपके कुत्ते को ले गया कभी? अभी कल परसों ही लेके आए। अच्छा, हाँ लाइट चलेगी। हाँ, तो अब लाइट चलेगी तो वो तो अंधेरे में दिखा, वो कुत्ते को भी अंदाज नहीं आया वो जाएगी। हाँ, उठा के ले गया, हमें भी अंदाज नहीं आया। अच्छा, कितना बड़ा था कुत्ता? बड़ा था, करीबन 1.5 साल का। अच्छा, हाँ उसको पौड़ के ले गया। तेंदुआ ही ले जाता है या बाघ ले जाता है या गुलदार ले जाता है? भाई गुलदार, उसको तो बोलते हैं गुलदार को ही। अच्छा, तेंदुआ। हाँ वो ले जाता है, वो जो भी ले। हाँ, तो खा जाता है उसको पूरा? खा जाएगा पूरा उसका। मतलब यदि हमारे इधर कई मतलब गुलदार ने जो है कुत्तों को तो शाबी कर दिया। अच्छा, हाँ पकड़ पकड़ के वो ख़त्म ही कर देता है। बिल्ली को भी ले जाता होगा? बिल्ली को नहीं, बिल्ली तो नहीं ले जाती अभी तक, तो नहीं ले गया बिल्ली को। अच्छा, और कुत्ते को ले जाता ज़रूर। अच्छा, बकरी वगैरह? बकरी मार देगा। अच्छा, हाँ कई कई ये आपके इधर हमारे इधर कई के तो गोठ में ही मतलब जो बकरी मार डाला। अच्छा, अंदर घुस, अंदर ही घुस के ले जाता, खा जाता? ले गया फिर वो ये जंगल किनारे लेके आ, वहीं छिपाया हुआ मिला, मतलब जो है कि गुलदार का। अच्छा, छिपा देता? हाँ, वो छिपाया हुआ मिला, जैसे सुबह आए हो फिर वहाँ से मतलब ले गई वो, मतलब खा दिया था, मतलब आधा खा रखा था। आप डेली आते हो यहाँ पे? हाँ मेरा ड्यूटी डेली। रात में भी वही आता है फिर? रात में तो दूसरे आते हैं, मतलब शिफ्ट मतलब आते हैं रात में। रात में आते हैं हमारे फर्स्ट गार्ड साहब आते हैं और 2-4 वाचर आते हैं, तो ये जानवर चेक करने के लिए कि कहीं अंदर घुसे तो नहीं है। अच्छा, तो रात में फिर कहाँ बैठते होंगे फिर? यहाँ तो बैठने नहीं, रात में तो अब बैठना क्या है, अब ज़्यादा रोना ही हुआ, हाथी का भी खतरा है, हाथी भी आता है रोज। अच्छा, हाथी का? हाँ, अपना देखा अगर टॉर्च लगा कोई। हाथी ने मार रखा किसी को? अभी तो नहीं मारा, लेकिन अगली बार मारा था दो, उसे मारने को तो हर साल एक मारता है वो। अच्छा, हाथी जो है हर साल एक मारता है, उसका कोई वो नहीं है, मौके में जो मिल गया उसको जो अगर मारना है, उसने हाथी ने सोच लिया तो वो मार नहीं मार ही डालेगा वो। तो आदमी भाग लेता हाथी तेज? भागता है, लेकिन भाई अब हाथी अगर मारना चाहेगा तो उसको नहीं छोड़ता है वो। अच्छा, हाथी तेज भागता है? हाथी बहुत तेज भागता है, उसको पकड़ लेता है बहुत जल्दी, इतना मतलब दिमाग वाला है वो, जैसे आप यहाँ से भागोगे तो तुमसे पहले शॉर्टकट काट के वो वहाँ पहुँच जाएगा। अच्छा, शॉर्टकट मार के वहाँ पकड़ लेगा आपको। अच्छा, ऐसा है कई बार जो है कि यहाँ मतलब आदमी मारे भी हैं। 2-3-4 साल पहले हमारा एक फोर्स साहब को पकड़ दिया, वो पटक दिया वहाँ, तो एक हमारे मतलब वाचर भी साथ बताओ, उसके बाद गन थी तो उसने हवाई फेर की, तो तब जाके उनको छोड़ा। अच्छा, ख़त्म कर दिया? नहीं, बच गए बच गए, घुटना। अच्छा, टूट गया उनका। अच्छा, हाँ गाड़ी भी इसका गया। हाँ, आपका दोस्त आ गया। सावधान, ये हमारा दोस्त है भीमचंद और इसका बेटा निक्कू। ये हमारे भाई साहब। भाई साहब, भाई साहब शक्ल दिखाना थोड़ा। ये भाई साहब, नाम आपका भाई साहब? मेरा नाम लाल बहादुर भी हो। लाल बहादुर, और ये हमारे जो फॉरेस्ट वाले सर थे जिनसे बात कर रहे थे, और प्रेम भाई बलवीर चंद गंदी बात, ये सब उत्तराखंड के मशहूर। तो कहाँ बकरी चलाने जा रहे हो, है ना? हाँ, हाँ। तो बकरी वगैरह बाघ वगैरह अटैक नहीं करता फिर? भाई दुनिया भर का होता है, यही तो आता है और कहाँ रहेगा, घरों में थोड़ी रहेगा बाघ। जंगल में पकड़ता है, खा भी जाता है, कई बकरियां मार दी। तो आपको मिला हुआ कभी? मिला है। बाघ मिला है कि तेंदुआ मिला है? तेंदुआ मिला है, बाघ तो कम आता है देखने में। अच्छा, तेंदुआ मिल जाता है? तेंदुआ चितोना ये छोटे छोटे मिलते हैं, बड़े नहीं मिलते। बड़े नहीं मिलते, कभी सामने अटैक करे हो?
सामने में अटैक ही तो नहीं होने दिया, फिर हम पहरेदार की बात की अगर अटैक कर दिया तो। 5 minutes later कौन सी नदी बोलते हैं इसको, कुछ नाम बगल रख रखा है कि नहीं रख रखा? ये हाँ ये सेना पानी नदी है। सेना पानी आगे है कुमिया नदी। इधर से लूं सीधे? उससे आगे घंटाताल नदी। अच्छा, अरे फंस गई घंटाताल। ये कैसे बेहोश हो गई है? आराम कर रही है। अच्छा, इधर से लूं? सीधे चल अरे निकल गई यार, स्कूटी में जान है तेरी में। तो अभी हम मेन जंगल में जाने वाले हैं, बड़ा जंगल में। बड़ा जंगल आ जाएगा, ये छोटा जंगल था है। छोटा जंगल ही है अभी तो। हम दुगाड़ी गोट पहुंचे। दुगाड़ी गोट ये है गोट। अच्छा, इसमें ले लूं ऐसी? इधर चलना जंगल। चल आगे से घुमाएगा। फंस गई। रास्ता नहीं खाली था किसी के रास्ते के। किधर से घुमाऊं? आगे से घुमाएगा इस रास्ता। अच्छा, ये कहाँ जा रहा? तो ये गांव के अंदर। गांव के अंदर से चले फिर? चल ये गांव के अंदर से फिर रास्ता होगा ना। इसमें से तो आए थे पहले हम। तो ये गांव बन रहा है, आप देख सकते हो। ये पत्ता है, बट ये करंट लगा रखा है। करंट लगा रखा है इसमें? कोई जंगली जानवर कर सकता हो, हाथी हो, शेर हो, भालू हो। इसमें इतना खतरनाक करंट है, मरता तो नहीं मगर छूट जाता है। बहुत जोर का झटका धीरे तरह। रात में छोड़ दोगे ना? दिन में तो नहीं छोड़ दोगे? अभी तो नहीं, जब वही हो जाती। अच्छा हाँ, हाथी वगैरह आ जाते हैं। अरे ये तो बंद हो गया रास्ता, शायद है रास्ता आगे। इधर घूमो। अब इधर स्कूल भी है यहाँ पे, राजकीय प्राथमिक विद्यालय दुगाड़ी गोट। प्राइमरी स्कूल होगा। कुछ तेंदुआ वगैरह बाघ वगैरह मिले तो क्या है, तू लड़ जाना। अरे नहीं यार, डर तो लगता ही है यार, जंगल में कुछ हथियार वगैरह भी नहीं लेके बैठे। इधर कोई जाता नहीं है ना? कोई मिलेंगे? कोई है यार, जानवर चुहाने वाले जाते रहे हैं। और जानवर वाले चौकी है कह रहा हूँ, बंद रहती कई लोग होंगे वहाँ बैठे। कितने दूर है चौकी? आगे सामने 200 मीटर। कितने भीतर लूंगा तरस? हाँ अच्छा अच्छा चलिए, सामने चौकी दिखा रही ये किसके पेड़ हैं? साल के हैं? ये सागवान का पेड़ है। सागवान के पेड़ हैं। अच्छा अच्छा यहाँ पे रात में ड्यूटी चलती है इनकी, चौकी वालों की? हाँ रात में ड्यूटी रहती है। तुम्हारी ड्यूटी यहीं पे लगती होगी जब आते होगे तुम? चाहे चौकी मिलनी है तो हाँ।
खड़ी कर देंगे। दोस्तों अभी हमें है टाइगर रिजर्व क्षेत्र में और यहाँ से सफारी भी होती है, आप देख सकते हो ये जो क्षेत्र है और पूरा आवाज देख सकते हो। आगे हम नहीं जाएंगे, पैदल पैदल हैं हम दोनों जने, मेरे और मेरा दोस्त और उसका बेटा। तो ये है जो भीमचंद है, ये बहुत बार जंगल में आता रहता है। हाँ, तो भालू देखा है तुमने? बिल्कुल भालू देखा हमने अपनी आंखों से, हमने उसे रेस्क्यू भी किया हुआ है। अच्छा, क्योंकि एक भालू आज से 2 साल पहले एक बीमार भालू था, जैसे कि हमें फ़ोन में पता चला कि भालू बीमार है तो हम उसका रेस्क्यू करने गए थे। हमारी काफ़ी बड़ी लंबी चौड़ी टीम थी, कम से कम उसमें 30-35 लोग हम लोग गए थे। तो हमें पता चला जब, तो हम उसे पहले तो काफ़ी टाइम लगा हमें उसे ढूंढने में, हमने उसे ढूंढा तो उसे 2-4 लोग अलग से आए थे पिस्टल लेके, जो कि उसे बेहोश करने के उससे आए थे। तो उसे बेहोश किया तब हम उसे उठा के ले गए हैं, मगर बेहोशी के बाद भी उसका जो राल होता है, जो उसका झाग होता है मुँह से जो निकलता है, बहुत जहरीला मानते हैं उसको। तो मुझे जितना जानकारी है कि हमने उसका बचाव करने को हमने जाल डाली थी और इतना भारी होता है भालू, शायद हम 10 लोग बहुत मुश्किल से उसे उठा पाए थे। और उसके नाखून भाई साहब कम से कम नहीं तो 3 या 4 इंच के आसपास के उसके नाखून होते हैं और इतना खूंखार होता है वो, सामने से इतना भावी दिखता है कि अगर एक बार के लिए को बहुत दूर से भी देखेगा तो ही बेहोश हो जाएगा। हाँ, और एक और भी बात बताना चाहूँगा, जो भालू होता है वो मर्द लोगों को तो मार देता है मगर औरतों को, जनानी जो होती उनको नहीं मारता, उनको अपने साथ में ले जाके बंदी बना लेता है और कई दिनों तक उसके संग रहता है। उससे ज़्यादा मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि कुछ ज़्यादा बोलना भी सही नहीं रहता है, आप खुद ही समझदार हैं। अगर कोई किसी को कहीं ले जाएगा तो कोई ना कोई वजह होती है, मर्दों को मार देता है बिल्कुल, और लेडीज को पकड़ के साथ ले जाएगा, साथ में रखेगा अपने, बिल्कुल उसके संग हो सकता है, वो शारीरिक संबंध ही बनाता है। अच्छा, बिल्कुल ये बात। तो ये आपको कैसे पता? हमारी आंखों की सामने की बात है, अभी नहीं आज से बहुत पहले की बात है। तो हमारे बाबा लोग पिताजी लोग बताया करते थे ऐसा ऐसा हुआ था, एक राना औरत थी उसको उठा के ले गया था, तो हमें बहुत जानकारी है कि हाँ ऐसा होता है कि क्या। तो ये तो मैं पहली बार नई बात सुन रहा हूँ, तो दोस्तों ये पहली बार मैं नई बात सुन रहा हूँ और इसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है कि आदमी को तो मार देता है भालू और लेडीज को अपने साथ रख लेता है, अगर वो जिसका जिससे उसका मन भर जाएगा फिर उसको भी मार देगा, फिर मार देगा, तो उसको बाद में मार देता है या फिर जो भी होगा। और ये देख सकते हो घने जंगल, अभी हम निकलते हैं अपनी स्कूटी लेके, और ये भी नैना सा बालक आ गया है, निकल चले। तो ये थे यहाँ के वन विभाग का ऑफिस भी था यहाँ पे एक, और इसकी जानकारी थी, इस वजह से आ गए थे यहाँ पे। अंदर अलाउ नहीं करते हैं वीडियो बनाना और ना यहाँ पे आना भी, बहुत से लोग लकड़ी लेने आते हैं यहाँ के जो लोकल हैं, तो टाइगर अटैक कर देता है लोकलों पे, यहाँ पे जो बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। अभी हम निकलते हैं। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी, तो चैनल को लेना सब्सक्राइब और ब्लॉग को कर देना लाइक, और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।